हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग अगेन सीखने वाले हैं कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को। सो इससे पिछली टू वीडियोस के अंदर हम लोग इससे पिछले काफ़ी सारे सेंटेंसेस डिस्कस कर चुके हैं, जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में आराम से करके अपनी इंग्लिश को और इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर अगेन हम लोग कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं और ये हम लोग का पार्ट 3 है। इससे पिछली वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप काफ़ी सारे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस देख सकते हो। साथ ही साथ गाइज, अगर आपको जो है इंट्रोडक्शन देना सीखना है इंग्लिश में, तो आपको इंट्रोडक्शन रिलेटेड वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं हैं, तो आपके ऑल द टेंसेस आराम से आप लोग क्लियर कर सकते हो। आपके जितने भी टेंसेस हैं, टेंसेस रिलेटेड सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो ऑल द वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपको इंग्लिश सीखनी है, साथ ही साथ आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो और आपको अपना इंग्लिश का सिलेबस भी कंप्लीट करना है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास सभी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आराम से पहुंचती रहे। यहां से ना केवल आप इंग्लिश सीखते हो, साथ ही साथ आपका इंग्लिश का सिलेबस भी हम लोग कंप्लीट कराते हैं। चैनल के अलग अलग प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपका सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेंटेंस गाइस हम लोग देख लेते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस है, जिसका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में इजीली कर सकते हो, वो है तकल्लुफ मत करो। कहते हैं ना, किसी को भी तकल्लुफ मत करो, तो इसको हम बोल सकते हैं डू नॉट स्टैंड अपॉन सेरेमनी। डू नॉट स्टैंड अपॉन सेरेमनी। नेक्स्ट है गाइस हम लोग का सेंटेंस, बिस्तर बिछा दो, या फिर कहते हैं ना कि बिस्तर लगा दो, तो इसको हम कह सकते हैं मेक द बेड प्लीज। मेक द बेड प्लीज। नेक्स्ट है सामान खोल दो, तो इसको हम कह सकते हैं अनपैक द लगेज। अनपैक द लगेज। नेक्स्ट सेंटेंस है पहले उसको अपनी बात कह लेने दो, तो इसको हम कहेंगे लेट हिम से फर्स्ट। लेट हिम से फर्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस हमारा मुझे इस पते पर पत्र भेजना या फिर लेटर भेजना, तो इसको हम बोल सकते हैं राइट टू मी टू दिस एड्रेस। राइट टू मी टू दिस एड्रेस। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और आने वाली सभी वीडियोस के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इजी तरीके से यहां से काफ़ी सारी इंग्लिश की वीडियोस आपको मिल पाएँ। नेक्स्ट सेंटेंस गाइस हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सेंटेंस वो है अब ज़रा ये सूट पहन कर देखो, तो इसको हम कह सकते हैं नाउ ट्राई दिस सूट ऑन। नाउ ट्राई दिस सूट ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस है सुई में धागा डाल दो, तो इसको हम बोल सकते हैं थ्रेड द नीडल। थ्रेड द नीडल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कोट के बटन बंद कर दो, तो इसको हम बोल सकते हैं बटन अप योर कोट। बटन अप योर कोट। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइज बूटे के फीते खोल लो और आराम से बैठ जाओ। कहते हैं ना हम लोग के भाई अपने शूज़ के फीते खोलो और आराम से बैठ जाओ, तो इसको हम कह सकते हैं अनलेस योर शूज़ एंड सेट एट ईज। अनलेस योर शूज़ एंड सेट एंड सिट एट ईज। चलिए गाइज नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नारंगी छील दो। नारंगी का मतलब ऑरेंज, तो इसको हम कहेंगे पील ऑफ द ऑरेंज। पील ऑफ द ऑरेंज। चलिए गाइज नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जूता उतार लो, तो इसको हम कह सकते हैं टेक ऑफ योर शूज़। टेक ऑफ योर शूज़। आगे बढ़ते हैं। बिजली जला दो या फिर बुझा दो, तो हम कहते हैं ना कि भी लाइट ऑफ कर दो या फिर ऑन कर दो, तो इसको हम कह सकते हैं स्विच ऑन द लाइट या फिर स्विच ऑफ द लाइट। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ लेते हैं। नलका खोल दो या फिर बंद कर दो। नलका का मतलब आपके घर की जो टंकी या फिर टैप होता है, उसको हम कह सकते हैं। सो इसको हम कहेंगे टर्न ऑन द टैप या फिर टर्न ऑफ द टैप। जो भी आपको करवाना है, बंद करवानी है या फिर उसको शुरू कराना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं गाइस। सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बाएं हाथ को चलो, तो इसको हम कह सकते हैं कीप टू द लेफ्ट। कीप टू द लेफ्ट। या फिर अगर हमें कहना हो कि दाएं हाथ को चलो, तो उसको हम कह सकते हैं कीप टू द राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ये हम नॉर्मली किसी बच्चे से बोलते हैं कि भाई अपनी नाक साफ कर लो, तो उसको हम कह सकते हैं ब्लो आउट द नोज। ब्लो आउट द नोज। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा फूंक मारकर मोमबत्ती को बुझा दो, तो इसको हम कह सकते हैं ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल। नेक्स्ट सेंटेंस है तौलिया निचोड़ दो, तो इसको हम कह सकते हैं रिंग आउट द टॉवल। रिंग आउट द टॉवल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ लेते हैं। लैम्प को बुझा दो या फिर जला दो, तो पुट ऑफ द लैम्प या फिर पुट लाइट द लैम्प
लाइट मतलब यहाँ पर चलाना और ऑफ का मतलब बंद करना। सो अगर आपको कहना हो कि लैम्प को बुझा दो तो आप कहेंगे पुट ऑफ द लैम्प, और अगर कहना हो कि लैम्प को जला दो तो पुट लाइट द लैम्प, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है पर्चों को नथी करो, तो इसको हम कह सकते हैं स्टिच योर पेपर्स, मतलब एक साथ स्टिच कर देना, सिल देते हैं सारे उनको, पेपर्स को एक साथ जोड़ देते हैं, तो इसको हम कहेंगे स्टिच योर पेपर्स। नेक्स्ट और फाइनल सेंटेंस जो हमारा है गाइज, वो है भूख से ज़्यादा मत खाओ, जितनी भूख हो उतना ही खाओ, तो इसको हम कह सकते हैं डू नॉट ओवर ईट योर सेल्फ, डू नॉट ओवर ईट योर सेल्फ, ओवर ईट करना, ज़्यादा खा लेना। चलिए मैंने यहाँ पर 20 आपके साथ जो है यहाँ पर डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस डिस्कस किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो हम अगेन कुछ और डेली यूज़ के इंग्लिश सेंटेंस डिस्कस करेंगे। बाकी प्रीवियस सभी वीडियोस के लिए अपने टेंसेस, इंट्रोडक्शन और इसके अलावा भी जो मैंने डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस आपको कराए हैं, उन सभी वीडियोज़ के लिए मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें। सभी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को, और अलग अलग अपना जो है जो भी आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश का, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट को, उसके लिए चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, जो भी आपका डाउट है या फिर जिस टॉपिक से लेकर रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो आप मुझे वो भी बता सकते हो। इंग्लिश रिलेटेड ऑल वीडियोज़ के लिए आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। सो गाइस, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास इंग्लिश के अलावा अदर सब्जेक्ट्स हैं सो उन सभी के लिए आप मेरे अदर चैनल को जरूर विजिट करेगा। आप 9th to 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल, तो पाई स्टडी सर्कल पर आपको 9th to 12th आपके ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस की स्टडी मिल जाती है करने को, जहां पर आप NIS की या फिर CBSE बोर्ड की स्टडी आराम से कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, स्पेशली NIS बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी हद तक वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करेगा। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अगेन डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस डिस्कस करेंगे। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।